चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है चेपरे वायरस। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, चेपरे वायरस क्या है, वायरस के बारे में क्या खोजा गया है, इसके लक्षण क्या है और इसके संभावित इलाज क्या हो सकते हैं। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के रिसर्चर ने हाल ही में पता लगाया है कि चेपरे नामक वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है। सीडीसी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये वायरस दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। बोलीविया के ग्रामीण इलाके में 2003 में इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। 2019 में इसका प्रसार पहली बार एक से ज्यादा लोगों में देखा गया। चेपरे वायरस क्या है? चेपरे हेमोरेजिक फीवर उसी एरिना वायरस फैमिली से होता है जिससे इबोला वायरस है। सीडीसी के अनुसार आमतौर पर ये वायरस चूहों से फैलता है। संक्रमित चूहे उसकी यूरिन और मल के साथ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी ये वायरस फैल सकता है। बोलीविया के चेपरे प्रोविंस में ये वायरस सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, इसी पर इसे चेपरे वायरस कहा जाता है। इस वायरस के लक्षण भले पहली बार 2003 में देखे गए, लेकिन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के रिसर्चर ने हाल ही में इसकी खोज की है। वायरस के बारे में क्या खोजा गया है? सीडीसी के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने 2019 में बोलीविया में पाए गए वायरस का अध्ययन किया। यह वायरस आदमी से आदमी में फैलता है। इससे सबसे ज्यादा खतरा हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को है। मानव शरीर के कई फ्लूइड जैसे ब्लड, यूरिन, लार और सीरम इस वायरस के फैलने में बहुत सहायक है। संक्रमण से ठीक हुए एक मरीज के सीमन में संक्रमण के 168 दिन बाद भी चेपरे से संबंधित कुछ आरएनए पाए गए। चेपरे वायरस शारीरिक संबंध बनाने पर भी फैल सकता है। इसके लक्षण क्या है? किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 4 से 21 दिन के भीतर संक्रमण के लक्षण नजर आने लगते हैं। चेपरे संक्रमितों में बुखार आना, सिर में दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, पेट दर्द, उल्टी आना, डायरिया, मसूड़ों से खून आना, रेशेस और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण देखे गए हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है? चेपरे हेमोरेजिक फीवर का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। अभी इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। इसके मरीजों को आमतौर पर सपोर्टिंग केयर जैसे इंट्रावीनस फ्लूइड दिए जाते हैं। शरीर को पानी की कमी से बचाने, अवसाद से बचने के लिए तरल पदार्थों के सेवन, पेन रिलीफ और ट्रांसफ्यूजन को मरीज के इलाज की सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में बताया गया है। आज का प्रश्न है, चेपरे वायरस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, चेपरे नामक वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है। कथन दो, आमतौर पर ये वायरस चमगादड़ से फैलता है। निम्न में से असत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।